बनना सरल है लेकिन नारी बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और सब बनना सरल है, अगर ऐसा ही था तो हमें 10-15 दिन का मौका देते, पार्वती से रिहर्सल करवाते। जैसे रामलीला में नारी का पाठ देते हो तो 15-20 दिन रिहर्सल करते हो कि नहीं करते हो? वो डायरेक्टर जो होता है, डायरेक्शन देने वाला, वो कहता है अच्छा मंच पर तुम सखी बनोगे, मैना का रोल या सुनैना का रोल करोगे, अच्छा चल के बताओ कैसे। नहीं नहीं नहीं, इतने इतने लंबे पैर नहीं रखना है, और कम करो, और कम करो, इतने लंबे पैर थोड़ी रखे जाते हैं। स्त्री ऐसे थोड़ी चलती है फरार फरार फरार, जो चलती हैं वो अच्छी नहीं मानी जाती, कहती इसकी चाल ठीक नहीं, इसकी चाल ठीक नहीं, इतना तेज थोड़ी चलना चाहिए। बड़ी विचित्र स्थिति बनी है शहरों में। गांव में तो गनीमत है, गांव में तो अभी भी गनीमत है कि सिंदूर, साड़ी, मंगलसूत्र स्पष्ट दिखाई देता है। शहरों में तो सिंदूर लगा रहता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन साइड में बालों में छिपा रहता है, सीधा नहीं लगता है, टेढ़ा टाढ़ा लगता है। क्यों? ये किसने कहा है कि टेढ़ा लगाना चाहिए? अच्छा मंडप के नीचे सिंदूर भरा जाता है मांग में, मत्ते में, बोलो सीधा कि टेढ़ा? बताओ आप कर्मकांडी ब्राह्मण बैठे हो, जे देवी बैठे तुम, बताते क्यों नहीं हो? वैसी बात मत करना, हम बहुत साफ साफ बता रहे हैं। बोलो भाई, सिंदूर यदि किसी नारी के मस्तक में लगा है तो फिर कैसे लगा था मंडप के नीचे, वैसे ही लगना चाहिए। या मंडप के नीचे लगा है तो वैसे ही लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मेरे गुरु ने मेरे मस्तक पर तिलक लगाया, जैसा लगाया था वैसा ही मैं लगाता हूं, वैसा ही लगाता हूं, परंपरा है। अब मैं चंदन को क्या यहां लगा लूं? हैं, ये कौन सा तरीका है? आज सिंदूर मध्य में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन गांव में, और गांव से हटे शहर में पहुंचे, सिंदूर साइड में आ गया, साइड में आ गया। अभी दिल्ली में जो है एक बहस हो गई मेरी, प्रणाम करने के लिए आया पति, मैंने कहा खुश रहो, पीछे 5 मिनट बाद पत्नी आई, उसने भी प्रणाम किया, मैंने कहा खुश रहो, बोले महाराज जी नहीं, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दो। मैंने कहा कैसे दे दूं, सिंदूर दिखाई दे तब ना दूं? भाई सिंदूर दिखाई दे तब दूं, ऐसी कैसे दे दूं सिंदूर? ये क्या है? हमने कहा इतने प्रयास के साथ दिखा रही हो सिंदूर, स्पष्ट क्यों नहीं है? मस्तक के मध्य भाग में मांग में सिंदूर क्यों नहीं है, साइड में क्यों है? बोले वो थोड़ा सा महाराज जी फैशन चल गया है, फैशन। हमने कहा फैशन हमारे सामने नहीं चलेगा, ना हमारे सनातन की परंपरा में चलेगा, जो चली आ रही है रीति वही अपनानी पड़ेगी। सिर ढका हुआ होना चाहिए और मस्तक का सिंदूर स्पष्ट रूप से मध्य भाग में होना चाहिए, ये हमारी परंपरा है, तभी अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद खुल के दिया जा सकता है। जब हम विश्वस्त हो जाएं तब ना। इसलिए शहरों में थोड़ा सा श्रृंगार में सिंदूर का स्थान परिवर्तित हो गया, परिवर्तित हो गया है। इस बात को मैं कहूंगा तुम लोग नहीं कह पाओगे कोई, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि ये जमाना आ गया एडवांस, इसी में तो टेंशन आ रहा है एडवांस के चक्कर में। बोलो भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एडवांस के चक्कर में ही हार्ट फेल हो रहा है, हैं? फिर कहते हो
ऐसा कैसे हो गया? और हार्ट फेल हो गया, हार्ट ही फेल हो गया, ऐसा कैसे हो गया? पहले क्यों नहीं सोचा था तुमने कि ऐसा क्यों हो रहा है? एडवांस एडवांस एडवांस, और जब धक्का लगा तो हार्ट फेल हो गया। ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारी गलती से हो गया है, गलती से हो गया। कोई साधु जो है तिलक नहीं लगाता है, पतला उतला लगाता, मैं डांट देता हूं, अच्छा लगाओ, स्पष्ट दिखाई दे। अच्छा एक बात बताओ, रेल की पटरी जिस साइज की बनी थी अंग्रेजों के समय से, वही साइज चली आ रही कि पतली कर दी गई? जल्दी बोलो, क्यों? जमाना बदला तो रेल की पटरी क्यों एक्सीडेंट हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कान खोल करके मेरी बात को सुन लो। जो चली आ रही है परंपरा, उस परंपरा को कायम रखो, उसमें किसी भी प्रकार के कहीं कोताही की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हारी मांग का सिंदूर सबसे बड़ा शगुन है, सबसे बड़ा शगुन है, याद रखना। ये सिंदूर के कारण ही तो तुम आज पूजा पाठ कर रही हो, सिंदूर के कारण ही नौ दुर्गा हो रही हैं। बोलो भाई, किसके कारण? सिंदूर के कारण हो रही है। ये सिंदूर की महिमा हनुमान जी से पूछो, पूरे शरीर ही में सिंदूर लगाए हुए। बोलो भाई, चुटकी भर सिंदूर तुम्हारे मस्तक पर रहता, हनुमान जी के शरीर पर पूरा सिंदूर ही सिंदूर रहता है। सिंदूर की महिमा साधारण नहीं है, याद रखना। और देवी पूजन में तो सिंदूर की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है सिंदूर। अच्छा, जब मंदिर जाती हैं तो देवी जी का मुंह रंग देती हैं सिंदूर से। हाँ देखो, चेहरा तक दिखाई नहीं देता, प्रतिबंध ना लगाओ तो पूरे मुंह में सिंदूर लग जाता है देवी जी की, इतनी महिमा मानती हो। और अपने लिए साइड में सिंदूर है? नहीं 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 नहीं, सिंदूर सिंदूर है। जैसे एक मटके ऊपर पताका फहराती है, पूरी की पूरी जनता देखती है, दूर से देख लेती है कि ये मटकी पताका फहरा रही है, बिना पताका के मठ सूना लगता है। ऐसे ही बिना, और पताका भी खूब अच्छी लहलानी चाहिए, हैं? लहराती है। ऐसे ही नारी के जैसे मठ के ऊपर पताका का महत्व है, वैसे ही नारी के मस्तक पर सिंदूर का महत्व है, पतिव्रता के मस्तक पर सिंदूर का महत्व है। पताका का दर्शन शुभ सूचक है, और सिंदूर का दर्शन बोलो शुभ सूचक है। आज मर्यादा के कारण ही शंकर जी को आना पड़ा और कहा कि महिला बनो, महिला। भगवान शंकर ने कहा कि महिला बनने में तो समस्या है, समस्या है। भगवान राम ने कहा एक बात बताओ, मेरे लिए समस्या? और जब भस्मासुर को वरदान दिया था, हाँ दिया तो था, याद है? फिर ऐसा दिया वरदान कि भस्मासुर खुदा ही भस्म करने के लिए तैयार हो गया आपको, फिर भागे भागे फिरे थे। बचाया किसने था जल्दी बोलो? बोले आपने। क्या बन के बचाया था? बोले विश्वमोहिनी बन के बचाया था, महिला। तो जब मैं आपके लिए महिला बन सकता हूं तो मेरे लिए महिला क्यों नहीं बन सकते हो? आपके लिए मैं महिला बन सकता हूं तो मेरे लिए आप भी बन सकते हो, ये तो परिस्थिति है। इसलिए मर्यादा भस्म ना हो जाए, मर्यादा समाप्त ना हो जाए, इसके लिए आपको मेरे मर्यादा के अस्तित्व को बचाना पड़ेगा। जैसे मैंने भस्मासुर से आपका अस्तित्व बचाया महिला बनकर के, वैसे ही मेरी मर्यादा का अस्तित्व आपको महिला बनकर बचाना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा तो मैं तैयार हूं।